प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को उत्तराखंड में उत्साह के साथ सुना गया। बागेश्वर जिले में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसमें बेडू का जिक्र किए जाने पर खुशी जताई। दरअसल बेडू उत्तराखंड के लोक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण फल है जो अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मन की बात में अक्सर उत्तराखंड और यहां धरातल पर काम कर रहे लोगों का उल्लेख करते हैं, इससे यहां की चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। वहीं अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मन की बात सुनकर सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत धैर्य बना होता है जिसमें, और सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती है जब हमारे उत्तराखंड के और हमारे बागेश्वर जिले या कुमाऊं क्षेत्र की जब बात आती है, चाहे मडवे से लेके है, चाहे अभी बेडू के संबंध में है, और जो बेडू पाको एक गाना जो कुमाऊं में सबसे प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में तो हर कोई जानता है, बेडू पाको बारो मासो, जब ऐसे हमारे छोटी छोटी चीज़ों की बातें जब राष्ट्रीय लेवल में जब इन चीज़ों को सुना जाता है तो मतलब एहसास होता है कि यार उत्तराखंड जो है ना बहुत मतलब विशेष है। और जब मन की बातों में अगर ये चीज़ें आती हैं तो यहाँ की चीज़ें और ज़्यादा निखरती हैं, तो हमें खुशी इसी चीज़ की है कि हमारी चीज़ों को जब राष्ट्रीय लेवल से हमारे प्रधानमंत्री जी जब ऐसे कहते हैं तो हम सब गौरवान्वित महसूस होते हैं। अगर कि आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जो पिथौरागढ़ में जो हमारा बेड़ू होता है उसकी चर्चा की है। इससे पूर्व में उन्होंने हमारे सामा क्षेत्र में कोई मडवे के बिस्कुट बना रहे थे हमारे भाई, उनकी चर्चा करी है। अभी हमारे गरुड़ क्षेत्र बागेश्वर के गरुड़ में अभी वृक्ष प्रेमी हैं, उनकी चर्चा करी है। तो कई बार जब भी हम मन की बात कार्यक्रम मोदी जी का सुनते हैं उसमें निश्चित रूप से एक पहाड़ का दर्द उनके अंदर साफ रूप से झलकता है।